Sometimes I say that I want you back. Everyone. तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी सब्जी मंडी. नहीं, सब्जी मंडी नहीं जा रहे. आप लेने जा रहे हो अपनी पिचकारी और गुलाल. हाँ. कहाँ जा रहे हो? पिचकारी पापा के साथ जा रही तू? हाँ मां. पापा की फिंगर पकड़ो. सुबह सुबह और टाइम. और ये देखो हम लोग चल पड़े हैं सुबह सुबह ध्रुवी को सामान दिलवाने. तो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं इसके पसंद का. बन्नी के भी ले ले. देखिए सही है क्या. ले ले. मम्मी ला रही हूँ. मम्मा ला रही है. हे गाइस, तो यहाँ पे ये है उड़द दाल. तो ये अभी मैंने अभी से मंगवाई है. आधा किलो का पैकेट है. तो इसको मैं पूरा ही कुकर में भिगो देती हूँ. और फिर अभी मतलब टाइम क्या हो चुका है, टाइम हो चुका है अभी 1:30 बजे हुए. और मैं इसको कम से कम 4 घंटे के लिए भिगोऊंगी. और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्सर जार में इसको ग्राइंड करके पीस लूँगी. और ध्रुवी देखिए मेरे पीछे पीछे आया है फ़ोन लेने. ध्रुवी सभी को बोलो हैप्पी होली. है कोई ना, मैं आप लोगों के साथ पूरा अच्छे से करूँगी सेट, तब दिखाऊंगी. क्या करना है अदरक का? तो चलिए पहले फिर फटाफट इसको भिगो देते हैं. हम इसको भिगो देते हैं. यहाँ पे अभी ध्रुव को मैंने बिठा दिया क्योंकि अभी मेरे थोड़े से काम रहते हैं. अभी मैंने सोचा चलिए फटाफट से मैं उनको काम करती हूँ. और ध्रुव को मैंने चला के दे दिया. कुछ पोएम्स वगैरह चल रही है. और गाइज ये देखिए ऊपर की इस तरह से मैंने ये फ़ोटो वगैरह लगाई है. बट अभी धीरे 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 अच्छे से सारी चीज़ों की मैं अच्छे से सेटिंग कर रही हूँ. और ये देखिए बाहर सिलाई मशीन रखी हुई है. तो अभी ध्रुव को बिठा दिया और मेरे थोड़े से काम रहा. आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने स्पेशल बनाने के लिए होली क्या क्या किया, क्या खाया, क्या मंगवाया, क्या घर पे बनाया, तो जरूर शेयर कीजिए. और ये देखिए ध्रुव तो चलिए गाइज फटाफट से करते हैं तैयारी. और यहाँ पे दाल मैंने भिगो दी है. अभी थोड़ी सी देर बाद मैंने करनी है पूजा वगैरह. देन उसके बाद मुझे मतलब फिर बनानी है दाल का पेस्ट. तो पहले मैं लेके आती हूँ पानी नीचे से, वाटर कूलर जो नीचे लगा हुआ वहाँ से. और आप मुझे ये बताइएगा किचन में मंदिर कैसा लग रहा है. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आप लोग भी बताइएगा. आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा. बाकी ये सभी ध्रुव के चाचू का आइडिया था कि किचन में अच्छे से अच्छे लग रहा है मंदिर. और इस पे ना मंदिर का मैं कलर लेके आई हूँ जब भी टाइम लगेगा. थोड़ा सा भी तो बिजी चल रहा है शेड्यूल. जब भी मुझे टाइम लगेगा तो उसके बाद इस पे अच्छे से कलर करेंगे. और मंदिर यहाँ पे किचन में सेट कर दिया. और ये वाले बर्तन भी ना थोड़े से ख़राब हो रखे हैं तो ये भी चेंज करने हैं. लेके आएंगे अच्छे से पूजा वाले.
और आज मतलब थोड़ा सा काम सेट हुआ है, करती हूँ आज थोड़ा सा काम सेट हुआ है, तो अभी मतलब थोड़ा सा आपको पता है रूम को रेनोवेट कर रहा है, पेंट वगैरह हुआ है, तो उसके बाद कितना काम हो जाता है क्लीनिंग का, तो अभी थोड़ा सा काम सेट हो गया। अभी धीरे धीरे आप लोगों के साथ कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगी और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मंदिर मैंने कहाँ सेट किया है। वैसे से थोड़ी सी झलक शायद आपको पिछले ब्लॉग में मिल गई होगी देखने को, तो हैप्पी होली एडवांस में तो नहीं बोलूँगी, आज होली का ही है, आज मतलब 17 मार्च है और कल है फाग, तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये भी मतलब दही बल्ले बनाऊंगी और आप लोगों के साथ रेसिपी थोड़ी सी शेयर करूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आप लोगों को अगर बनाना है तो मेरी रेसिपी तो आप देखने वाले हो नहीं, क्योंकि जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है वहीं पे आप जाके देखोगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी अपने तरीके से, मैं अच्छे से बना रही हूँ। तो चलिए और गाइज प्लीज़ अपना प्यार दीजिए यार, प्यार दोगे तो ही अच्छा लगेगा, ब्लॉग डेली डालूंगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और मिक्सर जार निकाल लिया, दाल को भिगोए हुए मेरे को हो गए 4-5 घंटे, बहुत अच्छे से मतलब फूल गई है, डबल हो गई है, और अभी अभी बस फटाफट से इसको करके 5 या 10 मिनट के लिए दाल का जो पीस के उसको रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे, देन उसके बाद मैं फटाफट से बना दूँगी दही बल्ले, तो रात को ही बना के छोड़ दूँगी दही भी और चटनी, ये बल्ले भी और चटनी भी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के इतना टाइम नहीं होता है, और फिर वो ये ना फाग वाले दिन तो ऐसे ही होता है, कलर वगैरह के हाथ हो जाते हैं, पूरा घर भी कलर से ही मतलब होता है, तो इसकी वजह से मैं पूरी तैयारी करके छोड़ दूंगी और सुबह सुबह उठ के बस खाने का काम रहता वो हो जाएगा। यहाँ पे जो खा रहा है चॉकलेट वाली कुल्फी, अभी मैं भूनूंगी जीरा, जो कि ये हमने देखिए इतना सारा जो दाल भिगोई थी इसका हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, और इसके अंदर कढ़ाई में मैं जीरा भून दूंगी। मैं किसके लिए भूनूंगी, दही बल्ले के लिए, तो इतना सारा भून लेंगे, कल का चाट मसाला भी तैयार हो जाएगा, साइड में मेरा हो रहा है दूध गर्म, तो ध्रुव ने भी खाई है आइसक्रीम, तो वो गया बाथरूम में अपने हैंड वॉश करने, कर ली बाबू मुंह भी धो लेना ठीक है, बस 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 तिल्ली मटा ले तेरे, तो यहाँ पे देखिए सारा रिफाइंड मैंने डाल लिया एक बार कढ़ाई में, जितना ज़्यादा डालते हैं उतना अच्छा रहता है, और यहाँ पे ये देखिए हमारा बैटर, इसमें मैंने थोड़ा जीरा डाला है, थोड़ी हींग डाली है, नमक डाला है, तो अच्छे से फूल गया, और यहाँ पे मैंने चेक भी किया कटोरी में, देखिए किस तरह से ऊपर फूल के आ गया, अगर इस तरह से फूल के ऊपर आ जाता है इसका मतलब हमारा ये जो पेस्ट है वो परफेक्ट बना हुआ है, और इससे अच्छे बनेंगे हमारे दही बल्ले। तो चलिए गाइस फटाफट बनाते हैं एंड आप लोगों को दिखाती हूँ। और ध्रुव को मैंने ना अंदर ही बंद करके रखा हुआ है ताकि मैं बनाऊं तो ये मेरे पास ही रहे आसपास, बाहर तो आजकल है इसका कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए मैं मोबाइल छोड़ के फटाफट से बनाती हूँ। ध्रुवी ऐसे बन गया, और ये देखिए गाइस ये सेकंड राउंड है मेरा, मतलब कि एक हमने निकाल लिया है, और वाओ इस बार ना बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे बने हैं, गोल फुले हैं ना एकदम अच्छे से, ये देखिए तो इनकी शेप आप लोगों को देख रही होगी,
तो गाइस बिल्कुल ही आसान होता है, बस पहले थोड़ा सा चटनी चुटनी बनाने का वो थोड़ा सा तामझाम होता है, बट यार कोई चीज़ बनाओ खाओ और सबको मज़ा आए ना खा के, तो ऐसी चीज़ें मैं थोड़ी मेहनत करना जाए, मतलब मज़ा आता है मेहनत करके। हाँ है? नहीं अभी आलू नहीं, मैं बाद में तेरे को दूसरी चीज। ध्रुवी देखो आलू छुपा के बैठा, बोला मम्मा चोपड़ दे दो उससे मैं करूंगा। दे। दही बल्ले बने हुए हैं, चलो दही बल्ले क्या ये बन गए। अभी इसको मैं पूरी रात रख दूंगी गाइस, सुबह सुबह पता है फाग खेलते हैं तो उस टाइम कुछ भी बनाने का मन नहीं होता, ये मैंने अभी बना दिया रात को। और ये चटनी है ना ये भी मैं रात को ही बना के छोड़ूंगी, हरी चटनी है वो भी मुझे रात को ही बनानी है। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है गाइस, ये लेके आए हैं गुजिया, तो मैंने ना बनाई नहीं इस बार, मैंने बोला ले आते हैं क्योंकि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, फिर छोटे बच्चे के साथ अकेले से बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो चलिए मंदिर में चढ़ा देते हैं फिर बाद में खाते हैं, ध्रुव को भी देती हूँ। तो मंदिर हमने चढ़ा दिया, ये बताओ कैसी बनी है गुजिया, है खा के बताओ। पापा देख गए स्पेशल, अभी आ गए ऑफिस से और ऑफिस फिर से चले गए। कैसी बेटा ऐसी है, तेरे दोस्त को दे दे बन्नी को ना। क्यों मैं खा के देखती हूँ एक बाइट। हाँ देखिए आटा मम्मी। टेस्टी है ना।